गठबन्धन का कारण नेपाली कांग्रेस अहिले जनता प्रति को जिम्मेवारी विमुख भइरहेको भनेर जनता ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। मैले नेपाली कांग्रेस को रूपांतरण र कांग्रेस को नेतृत्व में जनमुखी र जनता प्रति उत्तरदायी सरकार निर्माण करी जनता को भरोसायोग्य पार्टी निर्माण का लागि आफ्ना प्रष्ट एजेंडा सहित को महासमिति बैठक का लागि प्रस्ताव ल्याएको छु। म महासमिति बैठक में यह प्रस्ताव पेश करने छु र देशभर का आदरणीय महासमिति सदस्यहरुलाई मैले उठाएका एजेंडालाई बुलंद रूप में महासमिति में बहस को साझा विषय बनाने आह्वान गर्दछु। सुशासनमुखी पार्टी र सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन, समय सापेक्ष पार्टी को सांगठनिक ढांचा, पार्टी र सरकार को संबंध, रोजगारी का समस्या समाधान र उद्योग क्षेत्र को विकास, अप्राकृतिक गठबंधन को अंत्य र कांग्रेस को नेतृत्व में जनमुखी सरकार, कांग्रेस ले लिनुपर्ने अर्थनीति, विदेश नीति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र को आमूल रूपांतरण र विकास, कृषि पर्यटन र जलविद्युत को विकास में प्राथमिकता, जलस्रोत को सर्वांगीण बहुपक्षीय उपयोग, खनिज स्रोत को पहचान र विकास में जोड़ लगायत का एजेंडा में मैले प्रस्ताव ल्याएको छु। मलाई आशा छ मैले उठाएका एजेंडा र पेश गरेका प्रस्ताव महासमिति बैठक का बहस का विषय बन्ने छन्। मेरो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसलाई भावी कार्यक्रम नीति तय करी दिशा निर्देश गर्न र नेपाली कांग्रेस को नेतृत्व में जनमुखी सरकार निर्माण करी जनतालाई सुशासन र सहज